ये इसमें शरीर के लिए बहुत ही तंदुरुस्ती और ये जो विकार है ये दूर होंगे और तंदुरुस्ती आएगी। आखिरी सवाल, और क्योंकि मैंने ये भी सुना है कि आप लोग शायद इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं कि अगर एक कीनू का पेड़ है तो उस पर नींबू भी हो जाए और कीनू भी हो जाए, वो किस तरीके से, वो क्या? जी जी, वो क्योंकि एक ही प्रजाति है सर, नींबू है, किन्नू है, संतरा है, माल्टा है, मौसमी है, ये सारे एक ही जाति के, तो ये कोशिश की जा रही है वहां तरह तरह की कि क्यों ना एक ही पौधे से कई सारी फल लिए जाए ताकि जिनके पास कम जगह है वो हर चीज ले सके, अपने घर में भी एक अगर पौधा लगा लिया जाए। और एक और चीज की जा रही है कि रीयूज वाटर, वहां जैसे कोई आम गरीब किसान है कि नीचे थोड़ा माटी को हटा ले, चाहे एक कनाल दो कनाल, और उसके नीचे दोमट माटी ऐसे ढाल में बिछा दे, तो उसके ऊपर दूसरी माटी बिछा दे, तो उसको पानी लगाए, तो एक टैंक बना ले और वो पानी लगेगा, फसल ले लेगी, जो नीचे जाता है पानी वो वापस रीयूज उसमें आएगा और फिर से पानी लगाया जा सकेगा, फिर पानी आएगा फिर लगाया जाए, तो उसमें पानी की बेहद बचत हो सकती है। तो ये भी हमने एक वहां मॉडल तैयार कर लिया है और उस दिखाया था इस बार किसानों को, बड़ा ही लोगों को पसंद आ रहा है। जो बड़े जिम्मेदार है वो तो पक्का भी बना सकते हैं, उसको पक्का बना के, और उसका तो फिर फायदा बहुत ही ज्यादा है, वरना दोमट माटी का लेप बना के अच्छा 6 इंच या 1 फुट, तो उसमें वो पानी नीचे नहीं जाएगा और वो पानी रीयूज हो सकता है। तो ये पानी बचाने की एक मुहिम हमने शुरू करने जा रहे हैं। गुरु जी, मैं सोनू कुमार हूँ कोरिया न्यूज से। गुरु जी, आप दिल्ली से सटे नोएडा में आप आए हैं, अगर आप गाजीपुर से आए हों तो गाजीपुर की तरफ आप देखें तो वहां पर कूड़े के बहुत बड़े बड़े टीले लगे हैं, जिस तरह से करनाल बाईपास पर लगे होते थे, या फिर अगर आप दिल्ली यमुना के किनारे आए तो यमुना कम और वो गंदा नाला ज्यादा रखती है क्योंकि उसमें तब्दील हो चुकी है। और अभी दिल्ली सरकार का जो जल बोर्ड का बजट आया उसमें 200 से लेकर 300 MGD तक की पानी की कमी इस बार है दिल्ली में, और सरकार आपस में एक दूसरे पर आरोप लगाती है पड़ोसी राज्यों पर कि वहां से जो है पानी नहीं छोड़ा जाता है, चाहे वो कोई भी कैनल हो। तो क्या आपको क्या लगता है, आपको लगता नहीं कि यमुना की सफाई को सरकार सीरियसली ले ताकि 200-300 जो MGD पानी की कमी है वो सप्लाई में काम आ सके? दूसरी बात ये कि जो गाजीपुर का टीला है कूड़े का, तो उसको भी किस तरह से मेंटेन किया जा सकता है, क्या सरकार से आपकी इस तरह से कोई बात हुई है? बात नहीं हुई, आपके माध्यम से हम हाथ जोड़ के गुजारिश कर सकते हैं कि अगर यमुना जी की पूरी सफाई की जाए, दोनों तरफ बांध लगा दिए जाए, उसको अगर पक्का कर दिया जाए, तो जो बरसात का पानी या दूसरे जो पानी है तो वो पानी बहुत दिल्ली में ही काम आएगा, और जो जहां तक सीवरेज है तो एक साइड में कैनाल बना के तो सारा सीवरेज उसमें डाल दिया जाए और सीवर से बायोगैस प्लांट लगाए जाए बड़े बड़े, साथ में पूरी दिल्ली को हमें लगता है उनकी गंदगी से ही बिजली मिलनी शुरू हो जाए, तो सारे लोग भी सुखी और गंदगी भी सिमट गई और लगेगा भी कुछ नहीं। पता नहीं क्यों नहीं इस तरफ ध्यान दिया जा रहा, लोग दिलवाते नहीं शायद, जिनकी ड्यूटियां हैं, तो हम तो ये जरूर दिलवाना चाहेंगे कि साथ में तो सारी गंदगी सिमटती है, प्लस उससे बिजली बनती है, प्लस एक पानी, आप यमुना जी इतनी पवित्र सारी हमारे हिंदू धर्म में है तो माँ का दर्जा उनको मिला जैसे सज्जन ने फरमाया, बाकी तो दुर्दशा है उसकी, वैसे तो हम उसे माँ कहें, और देखिए क्या आप अपनी माँ की अगर सच में प्यार करते ऐसी दुर्दशा देख सकते हैं, अगर नहीं तो उसकी भी तो दुर्दशा हो ही रही है, इसमें कोई दो राय थोड़े ना है, तो उसको बिल्कुल साफ सुथरा किया जाए, पक्का कर दिया जाए, डैम बना दिए जाए, घाट बना दिए जाए, लोग पूजे आए और उस पानी को कितना प्यार से इस्तेमाल में लिया जा सकता है, बहुत पानी काम आ सकता है, बरसात का पानी इकट्ठा हो सकेगा, फ्लड नहीं आएंगे, बहुत पानी वो रोक सकते हैं, उसके बाद पानी ऊपर से चला जाए दूसरे स्टेटों में, वहां जाके वो डैम बना लें, तो ये पानी बहुत काम आ सकता है, लेकिन अगर कोई करे तो हम तो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकते हैं कि ऐसा करना चाहिए। आदरणीय गुरु जी, मैं श्री नरेंद्र सिंह भाटी, कैबिनेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश जी सर, उनका प्रतिनिधि सूर्य प्रताप सिंह एडवोकेट, जिला पंचायत सदस्य बुलंदशहर, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन इस धरती पर करता हूँ और उम्मीद रखते हैं कि आप इस तरह से अभियान आगे चलाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस धरती पर पधारने के लिए। जी भाटी साहब, बहुत बहुत स्वागत आप सबका भी, और आप सबने हमारा पूरा साथ दिया, सरकार ने पूरा साथ दिया आप लोगों ने, तभी ये संभव हो पाया, वरना के निचले सत्र में कोई कुछ कहता था, कोई कुछ आप लोगों ने दखलदाजी की, इनको बोला गया जाके, इन्होंने साथ दिया, तब जाके कल ये परमिशन हो पाई है, पता नहीं नीचे क्या चक्कर चल जाता है। तो इन लोगों ने बहुत हिम्मत की, हमें साथ संगत ने बताया है, जो भी मौजूद लोग हैं आप सभी हमें पार्टियों के, तो हमें बहुत स्वागत आपका कि आप इसमें शामिल हुए हैं, आए हैं, भगवान खुशियां दे, और हम हमेशा तैयार हैं, आप कोई भी बधाई नेकी के कार्य आप सरकार की तरफ से हमें सौंपें, हम 100% तैयार हैं उसको करने के लिए, यहां भी आप कहेंगे हम वहां पहुंच जाएंगे,
हम इलाहाबाद के लिए भी हमने बोला था कि वहाँ इतना बड़ा मेला हुआ है, तो वहाँ एक टीम गई हुई है ऑलरेडी लखनऊ में, तो कि वहाँ अगर आप हमें कहें तो हम इलाहाबाद को भी कुछ देर में ही साफ कर दें, ताकि वहाँ जो लोग मेले के बाद गंदगी छोड़ जाते हैं वो साफ हो जाए, और वो पवित्र तीर्थ स्थान है हमारा, तो वो पवित्र ही रहे जी। आप अगर ये बात आप मिनिस्टर हैं तो ये अगर आपको ठीक लगे तो हमें जरूर बताइए, हम जब आप कहेंगे वहाँ ये सफाई महाअभियान चला देंगे जी। आशीर्वाद सतगुरु के जी। आदरणीय गुरु जी, नोएडा आगमन पर हम मैं कुलदीप पाटी, जीटी रोड दादरी, बहुत ही सराहना करता हूँ मैं आपकी कृपा से, नामधारी भी हूँ आपकी सेवा में। और गुरु जी आपने यहाँ जो चरण रखे हैं उसके लिए हम पूरे गौतम बुद्ध नगर और नोएडा के निवासी आपके हार्दिक आभारी हैं। और गुरु जी दादरी में नाम चर्चा घर का निर्माण हुआ है, वहाँ से अरदास आई है आपके माध्यम से कि आप वहाँ भी चरण रखें, और इसी के साथ मेरी भी विनम्र प्रार्थना है कि आप दादरी में चरण रखें तो वहाँ मेरी झोपड़ी पर भी चरण रखें। और गुरु जी आपसे विनती है, मेरी बेटी की शादी 5 मई है, कृपा आपको निमंत्रण है और आप आशीर्वाद देने का कष्ट करें जी। इसी के लिए आपके बहुत बहुत आभार रहेंगे। जरूर आशीर्वाद भाई साहब, बहुत आशीर्वाद वो कार्ड लेना भाई, शादी का कार्ड जाना दर्शक, तो बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, शादी सुख सुविधा से संपन्न हो, भगवान से प्रार्थना करते हैं और जरूर दादरी में भी जरूर आएंगे। और आप सब लोगों ने हमारा साथ दिया है, भगवान बहुत खुशियां दे, बहुत आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद, स्वागत है आपका। गुरु जी नंदन सदगुरु तेरा यात्रा। गुरु जी एक और मेरा सवाल है कि जो दिल्ली में जो यमुना का हिस्सा बहता है वो एक तो गंदे नाले में तब्दील हो चुका है, जैसा अभी आपने भी कहा और तमाम लोगों ने कहा, लेकिन उन पर दिल्ली सरकार ने बहुत बड़े बड़े पुल बनाए हैं लोगों की सुविधाओं के लिए, लेकिन अक्सर लोग देखते हैं कि क्योंकि यमुना जी जो है हमारी श्रद्धा से भी जुड़ी हुई है, हमारी भावना से जुड़ी है, तो जो पूजा सामग्री होती है वो एक थैली में बांध कर उसमें फेंक देते हैं। पहली बात कि थैली का विनाश नहीं हो सकता, प्योर प्लास्टिक है वो। दूसरी बात ये कि जो पूजा सामग्री से भी कहीं ना कहीं हमारी यमुना मैली होती है, तो उन लोगों के लिए किस तरह का संदेश देंगे जो यमुना के पुल पर गाड़ी रोकते हैं और थैली बांधकर फेंक देते हैं, और काफी बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं। ये हमारे ख्याल से कोई भी अपनी माँ को जबरदस्ती कोई चीज नहीं खिला सकता, तो अगर इसको भी माँ मानते हैं तो इस तरह जबरदस्ती उसको गंदगी मत खिलाइए। क्या आप प्लास्टिक खाते हैं तो फिर आपकी माँ प्लास्टिक कैसे खाएगी? क्यों नहीं ये विचार करते हमारे लोग, क्यों नहीं धार्मिक ध्यान देते? वहां तब ये होता था कि हम वहां जाएं और श्रद्धा से सी जुगाएं, पानी लें और मस्तिष्क पे लगाएं, तो ये है बड़ी बात। ये हम ये चीज करें, पता भी चले कि हम पानी क्यों नहीं लेते, वो क्यों नहीं मस्तिष्क पे लगाते, क्योंकि वो गंदगी बन चुकी है, सबको पता चले, जाए गाड़ी रोकी फेंका चलते बने, तो ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे ख्याल से। या फिर वहां कोई नेट वगैरह नीचे लगा दिए जाए इस तरह के बारीक, जिसमें कोई ज्यादा खर्चा ना आए कि कोई चीज फेंके वो नेट पे ही गिरे, नेट पे रुकी रहे और बाद में उसको निकालना भी आसान है, थोड़ी सी जगह में उसको उठाया और रोज शाम को निकाल दिया जाए तो हमें लगता नहीं कि वहां गंदगी के ढेर लगेंगे, उसमें जाएगी वो गंदगी, नेट से उठाया और एक जगह रख दिया और बात खत्म। कोई पशु पक्षी भी खा लेंगे वो थैलियां खोल के उस चीज को, तो खाने वाली चीजें हैं तो उनका भी भला होगा। गंगा यमुना की बात हो रही थी, जिस तरह सफाई अभियान में लाखों लोग पहुंचते हैं, 4-5 लाख लोग आते हैं, तो यदि सरकार परमिशन देती है तो क्या गंगा और यमुना के लिए कितने लोग आप उम्मीद करते हैं कि वहां पहुंचेंगे? ये तो जगह की बात है, जैसे दिल्ली में 5 लाख लोग आए थे और अगर वो परमिशन देते हैं और ये है कि जल्दी, तो हमें लगता है 15-20 लाख लोग भी आ सकते हैं। वो डिपेंड करता है क्योंकि सात संगत 5 करोड़ है, और हम अगर पर्सनली कह दें, हम तो कहते ही नहीं कि आप आइए, और अगर हम उनको बोलते हैं हमें लगता नहीं कि कोई पीछे हटेगा, और जगह कम पड़ जाएगी और हमें लगता नहीं कि एक दिन से ज्यादा टाइम लग पाएगा इन चीजों को, क्योंकि उसमें मशीनरी चाहिए, परमिशन इसलिए मांग रहे हैं तो कुछ मशीनें ऐसी चाहिए जो सरकार के पास ही, जो हम खरीद रहेंगे तो बड़ा मुश्किल है। शासन का वैसे खर्चा बहुत होता, हर कोई अपना पैसा लेके आता, हर कोई अपना रोटी अपना पानी सबके साथ है, किसी से कोई सेवा नहीं करवाते, तो इसमें ये परमिशन हम मांग रहे हैं बार बार कि आप हमें वो मशीनें दे दीजिए, आपके चलाने वाले नहीं है तो चला हम लेंगे जैसे तैसे, बहुत इंजीनियर है हमारे साथ तो हम जैसे तैसे उसका करा लेंगे, लेकिन आप एक बार परमिशन दीजिए और हम उसका साथ देंगे, तो हम तो बस प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें बाकी सात संगत तो पता नहीं कितनी आ जाए, क्योंकि 25 जनवरी को हम कहते हैं कि भंडारा मनाएंगे, तो 2 करोड़ सात संगत इस बार आई थी, तो आप जरा सोचिए अगर 5-10 लाख 10-15 लाख भी आ गई तो कितनी देर लगेगी 15 लाख लोगों को, 15 लाख से 30 लाख हाथ हो गए और वो जब चलेंगे तो हमें लगता है मशीनों से बढ़ के काम होगा। गुरु जी एक
बहुत से सफाई अभियान हो चुके हैं, यह कब तक चलते रहेंगे और क्या संदेश रहता है उन लोगों के लिए जहां सफाई अभियान होता है? वो जागरूक हो जाएं सफाई के प्रति, सिर्फ उनके बच्चों का नहीं बल्कि उनकी आगे आने वाली पीढ़ियों का भी इसमें भला है। पेड़ पौधे लगाएं, शासन को हमने एक बार बोला कि आप पेड़ पौधे लगाएं और 8 घंटे में 68 लाख पौधे शासन ने लगा दिए। और हमने ये बोला था कि फोटो नहीं खिंचवानी, पौधा लगाया उसको पकड़ा खींच भाई कैसा लग रहा हूं, नहीं ये नहीं, आप इस तरह से पौधा लगाएं कि जैसे एक बच्चा आप पालते पोसते हैं। और ये फॉलो किया गया तो लगभग 70-80% पौधे जो के त्यों हैं। ये पीछे फॉलो करने की टीम में बनाई गई है कि वो देखते रहे पौधे, पर कुछ लोगों ने उखाड़ दिए, हम नहीं ये लगाना चाहते, यहाँ नहीं लगाना चाहिए। हमें बड़ी हैरानी होती है कि अगर आप हमसे अच्छे नहीं लगते हम आपको कोई बात नहीं, पर पेड़ पौधे तो सबको अच्छे लगते हैं, सबका भला होना है इसमें, तो इसमें तो कोई गलत कोई बात है ही नहीं। तो वजह नहीं पता हमें, लेकिन ऐसा होता है कई जगह। गुरु जी मैं चले प्रधान बोल रहा हूँ जी। जी प्रधान जी, तो एक तो आपको बड़ा बड़ा धन्यवाद, हमारे गांव में आपने ये आसरा दिया और सफाई का जो वाहन चलाया है ये बहुत बढ़िया है, और हमारा बड़ा बड़ा और पूरे गांव का आपको बड़ा बड़ा धन्यवाद है जो आपने ये काम चलाया। और हमारी बड़ी इच्छा है कि जो ऐसा काम होता रहे तो आनंद रहेगा और भारत हमारा आनंद रहेगा। धन्यवाद जी प्रधान जी, बिल्कुल। और कल को हमने यहाँ सत्संग भी रखा है और उसमें था कि बाहर की सफाई वो अंदर की सफाई, आप अपने विचारों पे काबू कैसे पा सकते हैं, विल पावर कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये दो चीजें ऐसी हैं। अगर अंदर के विचारों पे काबू हो जाए ना आप एड्स होगी ना बीमारियां होंगी ना गुंडागर्दी होगी, और आत्मबल बढ़ा लिया जाए तो आप बिल्कुल फेल हो रहे हैं तो भी सक्सेस हो जाए, क्योंकि आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। तो ये दोनों चीजें कैसे पाई जाए, ईश्वर के दर्शन कैसे हों, क्या कर किए जा सकते हैं, क्या वो ईश्वर है, क्योंकि हम खुद नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे हैं, कम पढ़ पाए लेकिन गुरुजी ने हमें बुलाया इसलिए हम आए, तो धर्मों को उसी नजरिए से हमने पढ़ा है, तो हम बताएंगे साइंस भी आज क्या कह रही, क्योंकि नासा साइंस केंद्र तक के लोग हमारे पास आते रहते हैं, डिस्कशन चलता रहता है, उनको भी हम आगे छोड़ते हैं कि भगवान है ईश्वर है, और आज तो वो मानने लग गए हैं, ऑलरेडी साइंस का लिखा हुआ आने लग गया है कि भाई भगवान है, पावर है, वो शक्ति है। तो ये कल को आपको बताएंगे सत्संग में कि कैसे उसको पाया जा सकता है, कैसे हम उसे रूबरू हो सकते हैं। गुरु जी आपका जो मुहिम है कुल का क्राउन वो बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही है, उसको फॉलो करते हुए आजकल टीवी पे सीरियल भी आने लगा है, प्रोमो आ रहे हैं, जितने भी आपके छात्र मानव भलाई के कार्य है, पहले सत्र में जयदा में भी काफी जो कार्य थे आपके रिजर्वेशन हुआ उनमें, और अब आपने 6-7 महीने पहले जो अभियान शुरू किया था कुल का ग्राउंड उसको मद्देनजर रखकर टीवी पे एक सीरियल आने वाला है, तो बहुत बड़ा संदेश जो आप दे रहे हैं वो वाकई संदेश दुनिया तक जा रहा है, इसके सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। दूसरा कि कुल का ग्राउंड क्या है, क्या नोएडा वालों को भी कृपया बताएं? कुल का ग्राउंड जिनकी एक बेटी है तो वो शादी करेगी और दूल्हे को घर लेके जाएगी, उसे घर जवाई नहीं, दुल्हन को घर बेटी तो नहीं कहते या ऐसे घर बहू तो नहीं कहते, उसको बेटी की तरह अपनाता है हमारा समाज, तो वो दूल्हे को बेटे की तरह अपनाएंगे। हमें ये हैरानी होती जब लोग कहते थे बेटे से वंश चलता है, जरा ध्यान से सुनिएगा हमारी बात, बेटे में खून होता है माँ बाप का, आगे बहू आती है उसके दूसरा खून होता है, उसका बच्चा हो गया तो कहते नाम रोशन करेगा, अब जरा बताइए बेटी में खून किसका होता है, माँ बाप का, उनके पति आते हैं दूसरा खून है, उनका बच्चा उस माँ बाप का नाम रोशन कैसे नहीं कर सकता, क्या बेटी में पानी होता है, खून नहीं होता माँ बाप का, तो बेटी भी नाम रोशन कर सकती है। हकीकत ये है अच्छे संस्कार जिसके हो और जो अच्छे कर्म करने लग जाए, चाहे बेटा है चाहे बेटी, वो माँ बाप का क्या, वो देश का नाम रोशन कर देता है, ये हकीकत है। कल्पना चावला है, सुनीता विलियम्स, क्या उन्होंने नाम रोशन नहीं किया भारत का, वो बेटियां हैं, हमें लगता है बेटा इनके मुकाबले में अभी तक आया नहीं हमारे नजरिए में, जो ऐसा जिसने इतना किया हो जितना उन लड़कियों ने किया है, आया हो तो आप हमें जरूर बताइए कौन सा लड़का जिसने वाकई ऐसा कर दिखाया हो, और बेटियों ने कर दिखाया है फिर भी बेटी को गर्भ में मार रहे हैं, शर्म नहीं आती? एक तरफ हम कहते हैं गौहत्या महापाप है, वाकई महापाप है, लेकिन कन्या हत्या तो महापाप का भी पाप है, उसको करना कानून बना दिए गए हैं, फिर भी बहुत जगह पे चल रहा है, हालांकि हरियाणा में बहुत सुधरा है, यहाँ सत्संग की बहुत से मुख्यमंत्रियों ने बड़ा, हम उनको साधुवाद कहेंगे, हम 90 से लगे थे कि ये गुटखा छुड़वा दो, गुटखा बहुत गंदगी है, इसमें सीवरेज कैंसर हो रहे हैं, और तंबाकू के नशे से 1 मिनट में 2 लोग यानी 35 सेकंड में 1 आदमी मरता है, ये डॉक्टरों का रिसर्च आ गया है साइंस का,
तो क्यों नहीं इसको बंद करवाया? और बहुत से मुख्यमंत्रियों ने इसको बंद करवा दिया अपने अपने स्टेटों में, तो हमें बड़ी खुशी है। उसके ऊपर लिखा होगा हमारे देवी देवताओं का नाम, खाएंगे और पांव के नीचे कुचल देंगे। शर्म नहीं आती? जिन्हें हम अपने देवी देवता पूज्य मानते हैं, मतलब दूसरे शब्दों में अपने से बड़े बुजुर्ग पूज्य मानते हैं, उन्हीं को पांव में कुचलना, तो ये बड़े ही दर्द होता था। देवी देवी हम कहीं भी जाते थे सत्संग करने, चाहे हिमाचल की देवभूमि, वहां भी यही हाल था। तो बहुत जगहों पे ये बंद हो गया है और बहुत जगहों पे बंद हो, ये हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि ये चीज नशे बंद हो जाने चाहिए। बड़ी तेजी से, हालांकि नशे की आपने बात की है, बड़ी तेजी से जो जनसंख्या है वो वेजिटेरियन से नॉन वेजिटेरियन की तरफ कन्वर्ट हो रही है। अभी एक रिसर्च भी आई है, इवन यहाँ तक कि सरकार ने भी अपने आंकड़े पेश किए हैं। आरबीआई गवर्नर सुब्बाराव साहब ने भी ये कहा है कि इन्फ्लेशन का मुख्य कारण भी यही है कि लोग जो है अपने खान पान की जो आदतें हैं वो लगातार बदल रहे हैं, यानी कि मांसाहारी हो रहे हैं। तो ऐसे में क्योंकि डेरा सच्चा सौदा हमेशा से माना गया है कि मांसाहार से शाकाहार की तरफ वो कन्वर्ट करता है, तो ऐसे में जब लगातार जो जनसंख्या है वो डाइवर्ट हो रही है, अपने खान पान की आदतें बदल रही है, जिससे उनकी प्रवृत्ति के अंदर भी हमने बदलाव देखे हैं, तो इसको रोकने के लिए क्या डेरा सच्चा सौदा कुछ कर रहा है? जी हाँ जी हाँ, हम जो ये सत्संग करते हैं इसके बाद उनको भगवान की कसम दिलाते हैं, और हमें उनमें से 80-90% लोग शराब, नशे, मांसाहार और हरामखोरी, वैश्यावृत्ति ये त्याग देते हैं। 80-90% अगर 100 को दिया तो उनमें 80-90 लोग वाकई ये चीजें बिल्कुल 100% छोड़ देते हैं। ये हम लगातार ये मुहिम चलाए हुए हैं और आज तक 5 करोड़ लोग इसमें शामिल हो चुके हैं। तो ये एकमात्र तरीका है माइंड वॉश हो जाए, ये आदमी को पता चले कि हम हैं शाकाहारी। आज तो साइंस कह रही है, वैज्ञानिक लोग मान चुके हैं वी आर प्योर वेजिटेरियन। हमारे वो आंतड़ी नहीं है जो मांसाहारियों की होती है, मेन खाना और फिर आंतड़ियों ने पचाना, वो छोटी आंत होती है लोगों मांसाहारियों के। और हम लोग कहते हैं जी इसमें ताकत नहीं होती, अगर मांस अंडा नहीं खाएंगे तो ताकत नहीं आएगी। हमने कहा फिर आपके हिसाब से तो हाथी कमजोर रह जाता है, क्योंकि हाथी तो मांस अंडा खाता नहीं, और वो धरती में सबसे ताकतवर पावरफुल कोई है तो वो हाथी है। झोटा है साउथ अफ्रीका में, झोटे जो होते हैं उनके सामने 2-3 शेर आ जाए तो वो रुकते नहीं, दुम दुमा के भाग जाते हैं। शेरों ने अगर झोटे को मारना है तो कम से कम 6-7 शेर इकट्ठे होते हैं और उनमें भी कई घायल हो जाते हैं जब झोटे का शिकार करते हैं। और झोटा घास फूस खाता है और शेर मांस खाता है, ताकत किसी में ज्यादा हुई? झोटे में। तो ये बकवास है कि मांस अंडे में ही ताकत होती है, जबकि सोयाबीन में जितना प्रोटीन है, हम प्लेयर हैं वहां, 2 बार वो वर्ल्ड कप जीत के लाए हैं योगा का, 1 बार थ्रो बॉल का, विदाउट एनी कोच दे वन द वर्ल्ड कप, इससे बड़ी मिसाल हम क्या दें। और वो बिल्कुल शाकाहारी, प्योर वेजिटेरियन, तो जगह जगह वो बच्चे जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, ये प्रवृत्ति इंसान को वाकई हैवान बना देती है, बहुत ही शैतान बना देती है, बल्कि हैवान से भी आगे बढ़ती है। तो इसको छोड़ना चाहिए, और वो छूटेगा, आदत जिसको पड़ जाए वो छूटती है भगवान के नाम से। ये हमारा बिल्कुल 100% प्रयोग किया हुआ है, तो वो कल को हम यहाँ बताने आ रहे हैं कि कैसे आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं। जी आशीर्वाद गुरु जी, इंडिया टुडे के इस बार के अंत में पढ़ा एक खबर आर्टिकल आया कि साहिब बेटी बसेरा है वहाँ, अनाथ बच्चियों को वहाँ पनाह देते हैं आप, और आप ही उनकी माँ है, आप ही उनके बाप है, यूं तो आप जगत पिता है ये सब जानते हैं। ऐसी एक खबर मैंने पढ़ी थी, सच कहूं अखबार में, कि जर्मनी, जापानी या चीनी सबके लिए हमारी किडनी। गुरु जी ये कैसी मुहिम चलाई है आपने, जहां इस देश में भाई भाई के खून का प्यासा है, वहां डेरा सच्चा सौदा में खून देने वालों की लंबी कतार है और वो कहते हैं प्लीज हमारा भी खून ले लो, और जाते जाते लोगों के मुंह पे एक ही बात होती है कि लेकर कहां कुछ वापस जाना, ये शरीर भी दान है। तो गुरु जी कैसी प्रेरणा आप देते हैं, ये कैसा आपका आशीर्वाद है कि एक बुलावे पे लाखों हाथ बढ़े चले आते हैं, और क्या क्या सेवा की भावनाएं डेरा सच्चा सौदा में चल रही है, कृपया प्रकाश डालें। जी जैसे आपने बताया किडनी दान, तो वहां हमने बोला कि किडनी से कोई मरीज ना जाए, और वहां शायद 55,000 लोग, 55,000 ने फार्म भर दिए कि हम अपनी किडनी देने को तैयार हैं। सिर्फ ईश्वर की कृपा से, हमारे पास कोई जादू नहीं, कोई अलग से कोई ऐसा, हम उनको वो नहीं करते हिपोटाइज, तो वो भगवान है ईश्वर के नाम पे। तो जैसे वैश्यों से शादी करवाने के लिए 1500 नौजवान आज तैयार बैठे हैं, 16 वैश्यों की शादी हो गई, उनको हमने अपनी बेटी बनाया, और आज उनमें से 13 शायद या 14 का घर बिल्कुल सफल है, 16 में से 2-3 जो थी उनको उनके दलाल वगैरह उखाड़ के ले गए वहां से।
लेकिन बाकी सब बिल्कुल सही, उनके आगे बच्चे भी हो गए और उन घरों में बड़ी खुशी है क्योंकि उनका नाम हमने शुभ देवी रख दिया। ये वैश्य नहीं है, ये शुभ देवी है। और जो उससे शादी करा वो भक्त योद्धा, बाकी योद्धा तो वही सच्चा है। आज किसी की औरत जरा से इधर देख ले पीछे पड़ जाते, घर टूट जाते, तूने उधर क्यों देखा, और उनको पता है कि वो वैश्य है फिर भी उससे शादी करवाते हैं, तो ये अपने आप में बेमिसाल है। तो ऐसे कार्य हम मानते हैं जो सतगुरु मालिक भगवान की कृपा है, वरना ऐसा संभव नहीं हो सकता। हम मेरठ में ये शुरू किया था बड़ोत में जो वैश्यवृत्ति के खिलाफ मुहिम, तो वहां बहुत पत्रकार समाज आए होते, कहते गुरु जी आपने ये क्या शुरू कर दिया। एक भी लड़का अगर उसको कोई राष्ट्रपति भी कहे कि भैया आप वैश्य से शादी करवा लो, वो नहीं करवाएगा। आप लड़के कहां से लाओगे? हमने जिस भगवान ने ख्याल दिया है वो लड़के भी दे देगा। और आज पढ़े लिखे इंजीनियर वेल एजुकेटेड पूरे फॉर्म में सेटल्ड लड़के भी अपने फॉर्म भरवा चुके हैं कि हम वैश्य से शादी करवाने को तैयार हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, भगवान की कृपा की बात। जो लोग कहते हैं चमत्कार चाहिए, क्या ये चमत्कार नहीं है? अगर नहीं लगता तो आप किसी लड़के को तैयार करके दिखाओ कि वो वैश्य से शादी करवाए। हमने नहीं तैयार किए, ईश्वर ने, तो ये सबसे बड़ा चमत्कार है। तो ऐसा हो रहा है वहां, खूनदान लोग करते हैं, बल्कि डॉक्टरों को हमने रोते देखा। शायद ये कोटा के डॉक्टर थे, शायद गुप्ता जी गुरु के इंचार्ज थे, वो रो रहे थे। हमने कहा बेटा रो क्यों रहे हो डॉक्टर साहब, आप तो डॉक्टर हैं। कहते गुरु जी आपने पता नहीं क्या भरा है, यहाँ एक 5 साल का बच्चा है। कहता अंकल अंकल रोता हुआ मेरे पास है। मैंने कहा बेटा क्या बात है, मैंने सोचा कि इसको खिलौना चाहिए, खाने को नहीं मिला। कहता अंकल कोई भी डॉक्टर मेरा खून नहीं ले रहा, आप ले लो। कहता मैं दंग हैरान रह गया कि 5 साल का बच्चा भी क्या खून देने को तैयार है। ये भगवान की कृपा है, उसके बिना ये संभव हो ही नहीं सकता। हमारे में कोई जादू नहीं, जादूगर तो वो है जो हम सबके अंदर बैठा है। जी बहुत आशीर्वाद आप सबका, आप सब लोग आए और प्रसाद के नीचे। हाँ जी बेटा हाँ बोलिए बोलिए। जी आखिरी मैं ये सवाल करना चाहूंगी कि हमने बहुत चैनल्स पे आपका जो एक शब्द की एक ऐड आ रही है वो है ड्रग ना लेना रे, नशा ना लेना रे। तो गुरु जी टीवी पर तो वो बहुत सुना है, पर अगर आप आज लाइव सुना दें गुरु जी तो बहुत बहुत शुक्रिया। जी बेटा दो लाइने आप को सुना देते हैं, हम जो हर जगह सुना देते हैं। ड्रग ना लेना रे, ड्रग ना लेना, ड्रग ना लेना रे, ड्रग ना लेना, ड्रग लेने के बाद बर्दा लेने का देना, ना 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 ना, ड्रग ना लेना रे, ड्रग ना लेना। जी अच्छा गुरु जी, मैं डॉक्टर बी एस चौहान नोएडा से बोल रहा हूँ। अच्छा, और ये बहुत मेरी इच्छा थी कि नोएडा, मेरा डिस्कशन हुआ था कि नोएडा पॉलीथीन फ्री हो, नोएडा साफ सुथरा हो, इसके लिए जो भी हम कर सकते थे ताकि आप यहाँ आ सकें। आपको मैं धर्म गुरु से ज्यादा समाज सुधारक मानता हूँ, और आप यहाँ आए नोएडा में, आपको बहुत बहुत, और इतना मैं चारों तरफ घूम के आया क्योंकि यहाँ ट्रैफिक जैम था, तो मैंने कहा मैं देखता हूँ नोएडा में कहाँ कहाँ सफाई हो रही है। पूरी तन्मयता से, पूरे मन से सारे प्रेमी लगे हुए हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मुहिम इस देश के हर शहर में चलाइए, क्योंकि इस देश की जो पहचान मैं देखता हूँ शहर के बाहर, अगर प्लास्टिक आपको रंग बिरंगी दिख गई, कूड़े के ढेर दिख गए, समझ गए कोई शहर आने वाला है। तो ये इसके लिए एक बार फिर से हम सब आपको बहुत धन्यवाद देते हैं, आपके कदम यहाँ पड़े, और उससे ज्यादा जो आज नोएडा में आपने जो संदेश दिया है सफाई का, बहुत बहुत धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब बहुत आशीर्वाद, आप लोगों ने भी यही सोचा, और हम यही लोगों को बोलते हैं कि प्लास्टिक को यूज ना करें। हमारी तो संस्कृति नहीं थी प्लास्टिक, हमारी संस्कृति थी फटे हुए कपड़ों को थैला बना लेना, उस पे धागे से थ्रेड से कढ़ाई करना, और उस थैले को शान से लेके अपने रिश्तेदारी में जाना, गजब था गजब। और आज वो होना चाहिए, डीजल पेट्रोल अगर यूं ही बढ़ता रहा फिर से गौ माता याद आएगी, बैल याद आएंगे, ऊंट याद आएंगे, क्योंकि उनमें पेट्रोल नहीं लगता, और उनको खाना भी ज्यादा देने की जरूरत नहीं होती क्योंकि घास फूस वो खा लेते हैं, और जो चीज हम नहीं खाते वो खा लेते हैं, और वो खाने के बाद जो हमारा काम नहीं आता उनका मलमूत्र ज्यादा काम आता है, वो भी हमारे लिए। तो इससे बढ़िया क्या चीज़ है, ट्रैक्टर वो चीज दे देता है हमें कि नहीं देता है। तो हमें लगता है कि वो चीजें, क्योंकि आज आदमी शारीरिक तौर पे कमजोर हो गए हैं, इसलिए मशीन का युग ज्यादा आ गया है। हम ये नहीं कहते कि दिमाग का मुआ, दिमाग तो बहुत बढ़ गया है, ज्यादा काम में लेने लगे लोग, पहले 10 लेते थे आज 15% ले रहे होंगे, 100 ले लें तो फिर तो कहने क्या है, फिर तो पता नहीं क्या से क्या हो, दुनिया के भले के लिए, भले के लिए नहीं, बुराई के लिए नहीं। तो यही बस प्रार्थना है कि सब लोग एकजुट होकर ये इन बुरी चीजों को छोड़ें, तो हमारा समाज
राम राज्य स्वर्ग बन सकता है, क्या दर्जा दें उससे भी बढ़ के बन सकता है जी। तो आप सबका बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ जहाँ बेटा बेटा गुरु जी, प्रवीण शर्मा हरियाणा से। अंतिम सवाल है गुरु जी, जैसे गुरु जी आपने कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ इतनी बड़ी मुहिम चलाई, डेरा सच्चा सौदा में साहिब बेटियां बसेरा है, और भी आप जब भी आपके सत्संग होते हैं तो 15 से 20 लाख लोग हाथ खड़े करके प्रेरणा लेते कि भविष्य में कभी भी भ्रूण हत्या नहीं करेंगे। तो हमने देखा है कि समाज के अंदर छोटी छोटी जो मुहिमें चलाते हैं उनको प्रशासन और सरकारें सम्मानित करती है, लेकिन आपके प्रति केंद्र सरकार का, हरियाणा सरकार का उदासीन रवैया क्यों बढ़ा हुआ? क्या कभी आपको भारत सरकार ने, हरियाणा सरकार ने इस समाज सेवा के कार्यों के लिए कभी सम्मानित किया है गुरु जी? असल में बेटा हमको इच्छा ही नहीं रखते कि कोई हमें सम्मानित करे, भगवान सब करने वाले हैं, उनका काम वो करवा रहे हैं हमसे। हाँ भारत का तो नहीं कह सकते, अमेरिका सरकार से हमें 2-3 अवार्ड मिल चुके हैं, एक हार्ट के लिए, ये वहाँ की पूरी जो हायर सोसाइटी है और उनके जो टॉप क्लास लोग हैं, डॉक्टर हैं जो नंबर वन, वो आए अपनी सोसाइटी की तरफ से, अमेरिका की तरफ से हमेशा 2 बार अवार्ड वो दे चुके हैं, इंजीनियरिंग अवार्ड वो दे चुके हैं, और न्यूजीलैंड से भी ये पेड़ पौधे लगाए गए उनका भी एक अवार्ड वहां पे दिया गया और हमारे आदमी भेजे गए। वो कहते हम इंडिया नहीं आ सकते, वहां अवार्ड देना चाहते हैं, पूरे न्यूजीलैंड में वो नंबर 1 पे साथ समित को अवार्ड दिया गया। तो जगह जगह पे ये अवार्ड दिए जा रहे हैं, तो हमें बड़ी खुशी है कि नेक लोग जो वाहवाही कर रहे हैं, बाकी सब लोग प्रशासन हमारा साथ दे रहे हैं, जैसे सफाई में हर जगह, हमें तो यही काफी है कि लोग हमारा साथ दें, भलाई के काम बस, बाकी राम जाने उसका काम जाने जी। बेटा सबको आशीर्वाद, आशीर्वाद प्रशाली जी, सबको दीजिए प्रशाली जी बेटा आशीर्वाद। हाँ चले सास सके जी, चले बेटा जो कुछ खड़े हैं, और यहाँ सफाई हुई है वहां झाड़ू ना मारें, यहाँ सफाई नहीं हुई वहां जाके झाड़ू मारे, फिर ही फल मिलना है, फिर ही खुशियां मिलनी, मर्जी आपकी है, बताना हमारा फर्ज। नहीं ये ना सोचो कि झाड़ू पकड़ के सोच लिया मैंने तो सेवा कर ली, नहीं नहीं नहीं, यहाँ गंदगी पड़ी है वहां सफाई अच्छी तरह से करें तो भगवान आपको खुशियां दे, बहुत आशीर्वाद। तो आपने देखा परम पूज्य संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने नोएडा के अंदर महासफाई अभियान की शुरुआत की, औपचारिक शुरुआत की, इसके बाद जो पूरी साथ संगत है नोएडा के अलग अलग इलाकों में जाएगी और वहां सफाई करेगी। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, लेकिन खबरें फॉर रियल न्यूज पर लगातार जारी है। नमस्कार।